श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में कर्मयोग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागरूक करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्मयोग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं जानते। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्म करना आवश्यक है। किंतु यह भी एक सत्य है कि दुख की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। सारे दुख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न हुआ करते हैं। कोई व्यक्ति कर्म करना चाहता है, वह किसी मनुष्य की भलाई करना चाहता है, और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उपकृत मनुष्य कृतघ्न निकलेगा और भलाई करने वाले के विरुद्ध कार्य करेगा। इस प्रकार सत्कृत्य भी दुख भोग देता है। फल यह होता है कि इस प्रकार की घटना मनुष्य को कर्म से दूर भगाती है, या दुख या कष्ट का भय कर्म और शक्ति का बड़ा भाग नष्ट करा देती है। राधे राधे। गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग के समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासना हो या अतृप्त कामनाओं का संचय है, कर्मयोग की कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। राधे राधे।